हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास आ रखी है एमजी कॉमेट, जो कि एक काफ़ी छोटी सी कार है, सिटी के लिए स्पेशली डिज़ाइन करी गई है इसको एमजी ने। इसमें अगर हम फ्रंट की तरफ बात करें तो हमें इसमें ये कनेक्टेड पूरी एलईडी बार देखने मिल जाती है, जिसमें कि आपको इधर फ्रंट की तरफ कैमरा प्रोवाइड करा जाता है। और ये आपको यहाँ पर एमजी का चार्जिंग पॉइंट के साथ यहाँ पर एमजी का लोगो, जिसमें कि आपको इधर ड्यूअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स प्रोवाइड किया जाते हैं। और नीचे की तरफ ये आपको फॉग लैम्प, ये इतना सा आपको इसके नीचे वेंट देखने को मिल जाता है, ये पूरा ये रहा एसी वेंट। ये आपको वाइपर दिए गए हैं मैनुअल। अगर हम बात करें इसके साइड में जो कि हमें दे रखा है, तो इसमें हमें वायर भी हम देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। और इसी के साथ हमें इसमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर, इंटीरियर में हमें इसमें ये फोर सीटिंग के साथ प्रोवाइड करी जाती है। ये रही ये रियर तरफ की सीट है, जिसमें कि बच्चे काफ़ी आसान से बैठ सकते हैं। और ये फ्रंट तरफ की, ये आपको काफ़ी एक प्रीमियम प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इसके स्टीयरिंग पे देखोगे तो राइट साइड पे हमें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल देखने जाते हैं, और लेफ्ट साइड पर आपको इसके इंफोटेनमेंट कंट्रोल प्रोवाइड कर जाते हैं। सबसे यूनिक फीचर इसके अंदर का गियर नॉब ये देखिए, और इसकी डिस्प्ले काफ़ी एक प्रीमियम फील प्रोवाइड करती है। साइड में हमें ये बिल्कुल प्लेन, ये हमें टू डोर प्रोवाइड करी जाती है, जो कि हमें कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। इधर आपको ये इलेक्ट्रिक की बैजिंग, और पीछे की तरफ भी आपको एक कनेक्टेड बार प्रोवाइड की जाती है पीछे। और इसके साथ यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाते हैं ये टेल लाइट्स, और ये आपको रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करा जाता है। यहाँ पे ईवी की बैजिंग, और ये आपको कॉमेट की बैजिंग प्रोवाइड की जाती है। ये एमजी, यहाँ पे ये इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग प्रोवाइड की जाती है। पीछे की तरफ आपको दो पार्किंग सेंसर दिए जाने वाले हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा इसका इंजन इधर ही प्रोवाइड किया जाता है। ये आपको इसके टायर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी छोटे से टायर ये रहे। अगर हम इस टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो हमें इसमें 12 इंच के ये टायर देखने जाते हैं, जो कि व्हील कैप के साथ है। लेकिन आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको ये अलॉय व्हील प्रोवाइड करे जाते हैं। इसी के साथ हमें इसमें रूफ बिल्कुल आपको क्लीन मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जाता। सबसे प्यारी चीज़ है इसके इंटीरियर की, जो कि आपको एक प्रीमियम देखने को मिल जाता है। ये रहा काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हम इसका इंटीरियर प्रोवाइड करा जाता है। अगर हम बात करें इसके इंजन ऑप्शन के बारे में, हमें इसमें 17.3 किलोवाट आवर की बैटरी, और इसके साथ 40.1 VHP की पावर के साथ हमें इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर प्रोवाइड करा जाता है, जो कि एक गाड़ी को अच्छी खासी पावर जनरेट करके देती है। इसके साथ हमें इसमें 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये आपको 230 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको इसमें चार्जिंग देखने को मिल जाता है ऑल्टरनेटिव में एसी में 7 आवर्स का। और इसके साथ चार्जिंग पोर्ट की बात करते हैं, इसमें आपको एसी टाइप प्रोवाइड करने जाने वाला है। इसके साथ इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड करा जाता है। फ्यूल टाइप पे ये हमें इलेक्ट्रिक, जो कि ZEV एमिशन नॉर्म के साथ प्रोवाइड करी जाती है। इसके साथ हमें इसमें फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं मैकपर्सन के, रेयर की तरफ हमें इसमें मल्टी लिंक कोइल सस्पेंशन प्रोवाइड करा जाता है। स्टेयरिंग टाइप में इसमें आपको इलेक्ट्रिक देखने जा रहा है, जो कि आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोप टिल्ट कॉलम के साथ प्रोवाइड करा जाता है। इसके साथ इसमें आपको टर्निंग रेडियस 4.2 मीटर की, और फ्रंट ब्रेक टाइप में डिस्क, और रेयर की तरफ इसमें आपको ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, इसकी आपको ओवरऑल लेंथ देखने को मिल जाती है 2974 mm की, और विड्थ हमें इसमें 1505 mm, और हाइट हमें इसमें 1640 mm की प्रोवाइड की जाती है। ये आपको फोर सीटिंग कैपेसिटी के साथ प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको इसमें 815 किलोग्राम का क्रैप वेट और टू डोर के साथ ही आपको देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें इसके कंफर्ट फीचर्स के बारे में, जिसमें कि आपको इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो फ्रंट एंड रेयर, एयर कंडीशनर, हीटर, एडजस्टेबल स्टीयरिंग एसेसरी, पावर आउटलेट, रेयर सीट बेल्ट, रेयर सीट एड्रेस्ट, और इसके साथ हमें इसमें रेयर पार्किंग सेंसर भी प्रोवाइड करे जाते हैं। ये रहे इधर की तरफ आपको ये दो रेयर पार्किंग प्रोवाइड किए जाने वाले हैं। इसके साथ आपको इसमें रेयर सीट फोल्डेबल देखने को मिल जाती है, जो कि 50:50 के साथ फोल्ड करी जा सकती है। इसी के साथ आपको इसमें कीलेस एंट्री और वॉइस कमांड भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट की तरफ आपको इसमें USB पोर्ट प्रोवाइड करे जाते हैं, जो कि इधर दिए जाते हैं वहाँ पे नीचे की तरफ। इंटीरियर में इसमें आपको ये रही है सारे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड की जाने वाली है।
जिसमें कि आपको इसमें लेदर स्टीयरिंग व्हील, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ऑडोमीटर और पीवीसी लेयरिंग डोर ट्रिम प्रोवाइड किए जाते हैं बोरे। एक्सटीरियर में हम इसमें एडजस्टेबल हेडलाइट, फॉग लाइट प्रोवाइड करे जाते हैं। इसी के साथ इसमें आपको पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, व्हील कवर्स और क्रोम ग्रिल एंड ये रही आपको यहाँ पे पूरी एक क्रोम ग्रिल प्रोवाइड करी जाती है नीचे की तरफ से। और इसमें हमें ट्यूबलेस रेडियल टायर जो कि आपको जैसे हमने बात करी टायर साइज हम इसमें 12 इंच का, जिसमें कि आपको एलईडी हेडलाइट्स और एलईडी टेल लाइट्स आपको इसमें प्रोवाइड करी जाती हैं। सेफ्टी में आपको इसमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी और इसके साथ इसमें आपको नंबर ऑफ एयरबैग 2 प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइवर एयरबैग और पैसेंजर एयरबैग। इसी के साथ में इसमें आपको डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर जैसे फीचर्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। एंटरटेनमेंट में बात करते हैं, इसमें आपको रेडियो स्पीकर फ्रंट एंड रियर साइड जो कि इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो के साथ USB एंड एक्सिलरी का इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टच स्क्रीन प्रोवाइड किया जाते हैं, जिसमें कि आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले प्रोवाइड होने वाली है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी दिया जाता है। तो ये इसका कुछ फीचर था दोस्तों इसके MG कॉमेट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।